मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब समझौते के लिए आए ससुरालियों ने दामाद की पिटाई करना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, ससुराल वाले दामाद को पीटते हुए सिविल लाइन थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। ससुरालियों द्वारा दामाद के साथ की गई मारपीट का पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। बताते चले कि शनिवार को महिला थाने में लड़की वाले और लड़के वाले समझौते के लिए बुलाए गए थे। महिला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को कुछ समय के लिए आपस में बातचीत करने का वक्त दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग महिला थाने में बराबर में बने जिला अस्पताल में बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान हुई कहासुनी के बाद ससुरालियों ने दामाद के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ससुराल वाले दामाद को पीटते हुए सिविल लाइन्स थाने ले गए और पुलिस से उसकी शिकायत की। ससुरालियों का आरोप है कि दामाद दहेज में बुलेट की मांग कर रहा है और मांग पूरी ना होने पर उसने 2 दिन पहले लड़की के साथ मारपीट की थी। 100 नंबर को फोन करा, उनके घर के साहब सब लोग जाके मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में साहब उसे थाने भेज दिया लड़के को, उसे हमने जमानत कराई। जमानत के बाद में साहब इन्होंने सिविल लाइन थाने फिर मुकदमा कर दिया। जब मुकदमा कर दिया तो साहब हम फिर लेके आए उनको, जब हमें बुलाया गया अधिकारियों ने। आज क्या बात हुई जिला अस्पताल में? आज ये हुआ साहब, जिला अस्पताल से लड़के को उठाकर मार के और 4-5-6 लोग जो है दमंगई से उसको उठा कर लाया, जान सामान्य को धमकी देते हुए लेके आए इसको, फिर उसके ऊपर मुकदमा करवाने के लिए। आज अस्पताल किस लिए आए थे? अस्पताल इसलिए आए थे साहब, उनसे बात हो जाए, फैसले की बात हो जाए, सुलह हो जाए तो अच्छा है। महिला थाने में आए थे जी?